सीआई वाले के बंदे थे और सीआई वाले के बंदे थे और अब्दुल्ला नाम ये एक शख्स था जिसने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे उल्टा लिटा के मुझे जूते मारे और इलेक्ट्रिशियन मशीन थी जो मेरी यहाँ पे लगा दी उन्होंने और मेरे दिमाग पे लगा देते, मुझे इस तरह से स्ट्रेस दिया उन्होंने, मतलब कि बंदा जैसे होश खो बैठता है ना, मैं वो खो बैठ वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हुई और रेस्क्यू वालों को बताया, उन्होंने कहीं ने एडमिट करवाया मुझे, वहाँ पे उन्होंने एडमिट नहीं करवाया और मुझ पर इतना तशद्दुद किया जो बात मैं नहीं जानती थी, वो भी मुझसे ज़बरदस्ती पूछ के मुझे मतलब कि मारते थे और मुझे मैं नहीं जानती मतलब कि वो उन्होंने क्यों किया, किसी की फरमाइश पे मेरी फ्रेंड थी उसकी बेटी हम पूछने जा रहे थे, उसको कॉल किया कि मतलब कि उसकी बेटी पैदा हुई और उसकी तबीयत खराब थी उसकी बेटी की, हम बेटी पूछना जा रहे थे, मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है कॉटन फैक्ट्री है, मतलब दूर दूर तक हमारी किसी हिस्ट्री में भी 9C नहीं है, आप देख सकते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सबको ये मैसेज देती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी चली गई है। उन्होंने कौन कौन से आपसे जबरदस्ती जोर से वो बयानात लिए हैं? वो कहते थे हमें मतलब के बंदे पकड़वाओ जो डीलर है, मतलब के जबकि मैं नहीं जानती थी मैं किसको पकड़वाती, मैं किस सवाल था जो आपके खामत पे इन्होंने 9B का उनसे पैसे लिए, उनसे पैसे लिए 9B लगाया, उनसे पैसे लिए, मुझे एक दिन पहले भेज दिया, उन्हें 3-4 दिन पैसों के लिए रखा वहाँ पे CIO ऑफिस, वो अभी चल रहा है ट्रायल जी, और मैं केस से क्या मुतालबा है अगर मुझे मैं खुदकुशी कर लूंगी क्योंकि बचा तो अब वैसे कुछ नहीं है, मीडिया पे तो वैसे सब कुछ आ गया है, मतलब कि हम इज्जतदार लोग थे, हम इस तरह नहीं थे, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सबको मैसेज देती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। आपका नाम और मेहताब कमल मेरा नाम है और हम क्या था जब आप जॉब करते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर, मेरी जॉब चली गई है, मेरा कुछ भी नहीं बचा, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है।